लेकिन हमें ये पता नहीं कि नींद क्या है, कब आती। आप रोज सोते हैं, कितनी बार सोए हैं, लेकिन आपको पता है नींद कब आती है और कैसी आती है और क्या है? नहीं, कुछ पता नहीं। हमें सिर्फ इतना पता है कि कब तक हम जागे थे, 12 बजे रात तक जागे थे, फिर नींद कब आई, किस क्षण में आई, कैसे आपके ऊपर छा गई, कैसे आप उसमें डूब गए, इसका आपको कभी पता हुआ है? इसका कोई पता नहीं। जिंदगी भर सोएंगे, 60 साल आदमी जीता है तो 20 साल सोता है। इतनी बड़ी घटना जिसको 20 साल करना पड़ता है, उसका भी हमें कोई परिचय नहीं होता कि हम सोने का अर्थ क्या है, ये सोना क्या है, ये नींद क्या है, क्या घटना घटती है मेरे भीतर। नहीं, लेकिन जो जागने में जागा हुआ नहीं है वो नींद में कैसे जागेगा? पहले जागने में जागना पड़ेगा। और जिस दिन आप जाग जाएंगे उस दिन आप बहुत हैरान होंगे। जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूं और अंधेरा गिर जाए तो मुझे दिखाई पड़ता है अंधेरा आ रहा है, अंधेरा घना हो गया, अंधेरा पूर्ण हो गया। फिर रोशनी आ जाए तो मुझे दिखाई पड़ता है रोशनी आई, रोशनी गई हुई, रोशनी भर गई। लेकिन मैं दोनों को जानता हूं। ना तो आप जानते हैं कि कब आप सोए, कैसे नींद का अंधेरा आपके ऊपर गिरा और कैसे आप नींद में डूब गए, ना आप जानते हैं सुबह नींद कैसे हटी, कैसे समाप्त हुई, कैसे विदा हो गई। जिस दिन आप जागरण की घड़ियों में जाग जाएंगे और जागने की क्रियाएं जाग के करने लगेंगे, खाना होश पूर्वक खाएंगे, कपड़े होश पूर्वक पहनेंगे, रास्ते को होश पूर्वक चलेंगे। महावीर से किसी ने पूछा कि हम क्या करें, तो महावीर ने कहा कि क्या करने की उतनी फिक्र मत करो, जो करते हो उसे होश पूर्वक करो। क्रोध होश पूर्वक करके देखें, लेकिन बहुत कठिनाई होगी, जरा गहरे में है बात। तो फिर एक उपाय करें, एक्टिंग करें किसी दिन क्रोध की, तब आप उसमें आसानी से जाग सकेंगे। आज घर जाके तय करके जाएं कि टूट पड़ना है किसी के ऊपर, बिल्कुल एक्टिंग अकारण, तो आप आसानी से जाग सकेंगे। तय करके जाएं, कोई कारण नहीं है पत्नी का, ऐसे भी कोई कारण नहीं होता, लेकिन तब आप बेहोश होते हैं। तय करके जाएं कि पति का आज कोई कारण नहीं है, अकारण टूट पड़ना है, और पूरी तरह क्रोध करें, तो आप देख पाएंगे क्रोध को। इधर क्रोध चलेगा, इधर भीतर आप देख पाएंगे कि ये क्रोध चलता है। और अगर एक्टिंग के क्रोध को भी देख लिया तो दोबारा जो क्रोध होगा वो एक्टिंग हो जाएगा। अगर एक बार हम क्रोध का अभिनय कर सके तो फिर कभी भी क्रोध बिना अभिनय के नहीं होगा, अभिनय ही हो जाएगा, उसके हमसे भीतरी संबंध टूट जाएंगे। तो जो चीजें गहरी हैं उनको एक्टिंग से शुरू करें, जो चीजें गहरी हैं उनको होश पूर्वक अभिनय करें, तो उनमें आप जाग सकेंगे। और अगर जागने के क्षणों में जागना आ जाए तो फिर नींद के क्षणों में जागना आना शुरू हो जाएगा। जिस दिन आप नींद में जाग जाएंगे उस दिन आप अनकॉन्शियस में प्रवेश करेंगे। कृष्ण ने गीता में उसी की बात कही है कि योगी रात भी जब सब सोते हैं तब जागता है, वो दूसरा चरण है। नींद में अगर आप जाग गए तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे, इतने हैरान होंगे कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप रात में नींद में जागे हुए सो सके, जो कि एक मिरेकल है, एक बहुत अद्भुत चमत्कारपूर्ण घटना है, जिस दिन आप सोए और जागे एक साथ, भीतर जागे और बाहर सोए रहे, उस दिन सुबह आप इतने ताजे उठेंगे जैसी ताजगी का आपको कभी भी पता नहीं। उस ताजगी का शरीर से कोई संबंध नहीं, उस ताजगी का बहुत गहरे में आत्मा से संबंध हो जाता है। जिस दिन आप जागे हुए सो सकेंगे उस दिन आपके स्वप्न तिरोहित होने लगेंगे, क्योंकि आप स्वप्नों के प्रति जाग जाएंगे। ऐसा नहीं कि बाद में पता चलेगा कि मुझे स्वप्न आया, जब स्वप्न आ रहा है तभी आप जानेंगे कि स्वप्न आ रहा है। जैसा मैंने आपसे कहा कि चेतन मन की क्रियाओं के प्रति जागे तो अचेतन मन में प्रवेश हो जाएगा, फिर अचेतन मन की क्रियाओं के प्रति जागे तो समष्टि अचेतन कलेक्टिव अनकॉन्शियस में प्रवेश हो जाएगा। अचेतन मन की क्रिया है स्वप्न। स्वप्न के प्रति जब जागेंगे तो आप अचानक पाएंगे एक दरवाजा नीचे और खुल गया, वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस का दरवाजा है, वो मेरा अचेतन नहीं है, हम सबका अचेतन है। उस समष्टिगत अचेतन की अपनी क्रियाएं जिनको धर्मों ने बड़ा महत्व दिया है, बड़े अनुभव है, उस अचेतन मन के बड़े गहरे अनुभव है, जिनको जंग ने आर्कटाइप कहा है, जिसको उसने कहा धर्म प्रतीक, उस गहरे अचेतन में, कहे समष्टि अचेतन में,
ही दुनिया की सारी माइथोलॉजी पैदा हुई, सृष्टि का जन्म, प्रलय की संभावना, परमात्मा के रूप, रंग, आकार, नाद, वे सब उसी में पैदा हुए, वे उसकी क्रियाएं। तो जो व्यक्ति स्वप्न में जाग जाएगा वो समष्टिगत अचेतन में प्रवेश करेगा, और समष्टिगत अचेतन की अपनी क्रियाएं हैं, जिनको लोग धार्मिक अनुभव कहते हैं, वे भी धार्मिक अनुभव नहीं है, वे भी मानसिक अनुभव है समष्टिगत अचेतन के। रंगों के विस्तार, प्रकाशों का उद्भव, अभूतपूर्व सुगंधे, अभूतपूर्व ध्वनियां, वे सब वहां पैदा होंगी। सृष्टि के जन्म और मरण को भी वहां देखा जा सकता है, उस क्षण को भी देखा जा सकता है जब पृथ्वी पैदा हुई, और उस क्षण को भी देखा जा सकता है जब पृथ्वी अस्त हो जाएगी। वहीं से दुनिया की सारी मिथ ऑफ क्रिएशन पैदा हुई। इसलिए बड़े मजे की बात है कि दुनिया की सृष्टि के जितने भी सिद्धांत पैदा हुए वे सब समान एक से, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ा, शब्दों के फर्क पड़े। उसी क्षण में उस चेतना की उस अवस्था में ही बहुत सी बातें जानी गई जो सारी दुनिया में समान है। जैसे सारी दुनिया में एक ख्याल है कि कभी कोई एक महाप्रलय आया, ईसाइयों को भी ख्याल है कि कभी कोई एक महाप्रलय आया, हिंदुओं को भी ख्याल है कि कभी कोई एक महाप्रलय हुआ, सारे जगत के आदिवासियों के पास भी जो कथाएं हैं उनको भी ख्याल है कभी कोई महाप्रलय हुआ। और बड़े मजे की बात है कि इन सब के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं रहा, इनके बीच कोई संवाद नहीं रहा। ये संवाद तो अभी पैदा हुआ है, लेकिन इनकी कथाएं तो हजारों लाखों साल पुरानी है। जब ये एक दूसरे से बिल्कुल असंबंधित थे तब भी इनकी कथाएं एक है। क्या मामला है? एक ही मामला है, इनका जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है वो एक है, हम सबका। इसलिए बहुत गहरे में हम सब एक है। इसलिए जो चीजें बहुत गहरे से संबंधित है उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ता। जैसे नृत्य कलेक्टिव अनकॉन्शियस से पैदा होता है, इसलिए नृत्य को समझने के लिए दूसरे की भाषा जाननी जरूरी नहीं है। एक अंग्रेज नाचता हो तो चीनी समझ सकता है, अंग्रेजी समझना जरूरी नहीं है। एक हिंदू नाचता हो तो मुसलमान समझ सकता है। चित्र पेंटिंग के लिए कोई जरूरत नहीं है किसी की भाषा समझने की। पिकासो की पेंटिंग जो आदमी फ्रेंच नहीं जानता वो समझ सकता है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब के सब हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस से पैदा होने वाली चीजें हैं, ये हम सब जानते ही हैं। इसके लिए एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे की सभ्यता, एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे के सिद्धांतों से परिचित होने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए दुनिया के सारे धर्मों के जो प्रतीक है वो सब समान है। कई बार तो इतनी हैरानी की समानता है कि कहना मुश्किल है। जैसे ओम की ध्वनि है वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस से पैदा होती, इसलिए ओम की ध्वनि सारी दुनिया के धर्मों में है। थोड़े बहुत हेर फेर है, वो समझने के हेर फेर है। हिंदू ने उसे पकड़ा है ओम की तरह, ये हमारी पकड़ने की बात, क्योंकि पकड़ेगा तो हमारा चेतन मन, तो हमने ओम की तरह पकड़ा है। यहूदियों ने, ईसाइयों ने ओमीन की तरह पकड़ा है, वो ओम का ही उनका रूपांतरण है। इसलिए आज भी प्रार्थना के बाद वो कहेंगे अमीन, वो ओमीन, ओम ओमीन उससे निर्मित हुआ है। अंग्रेजी के शब्द ओमनी साइंट, ओमनी प्रेजेंट, वो सब ओम से बने हुए, लेकिन वो निकले हैं बहुत गहरे से, वो संस्कृत से नहीं गए। जैसा कि संस्कृत के ज्ञाताओं को ख्याल होता है कि दुनिया की सारी भाषाएं संस्कृत से पैदा हो गई, ऐसा नहीं है। दुनिया की भाषाओं में जो समानता है वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस की समानता है। दुनिया की भाषाएं किसी एक भाषा से पैदा नहीं हो गई। हमारा एक तल है मन का जो हम सबका इकट्ठा है। जैसे सागर के ऊपर लहरें अलग अलग है लेकिन नीचे सागर इकट्ठा है, ऐसे लहरों की तरह हम अलग अलग हैं लेकिन और गहरे सब इकट्ठा है। वो जो इकट्ठापन है उसकी अपनी क्रियाएं, जिसको कबीर ने अनाहत नाद कहा है। हम एक तरह का नाद जानते हैं, चोट से पैदा होने वाला नाद। अगर मैं ताली बजाऊं तो एक नाद पैदा होगा, लेकिन दो तालियां टकराएंगी तब। अगर मैं तबले पर चोट मारूं तो आवाज गूंजेगी, लेकिन चोट मारूंगा तब। इसको कहेंगे आहत नाद, चोट से पैदा हुआ आहत, चोट खा के पैदा हुआ ध्वनि। कलेक्टिव अनकॉन्शियस में ऐसी ध्वनियां हैं जहां चोट नहीं होती और ध्वनियां हैं, इसलिए उनको अनाहत नाद कहा है, बिना चोट किए पैदा हुई ध्वनियां।
एक हाथ से बजाई गई ताली। जैन फकीर जापान में अपने साधक से कहता है कि एक हाथ से अगर ताली बजाया जाए तो कैसे बजेगी, इसका पता लगा के आओ। बड़ा मुश्किल है, एक हाथ से ताली कहीं बज सकती? एक हाथ से ताली कैसे बज सकती? कभी वो टेबल पे बजाता है, कभी दीवार पे बजाता है, और गुरु को आके कहता है कि मैंने बजाई एक हाथ की ताली, और दीवार पे बजा के बताता है। गुरु कहता है दीवार दूसरा हाथ बन गई, नहीं चलेगा। एक हाथ की ताली बजाई जा सकती है, कैसे उसका पता लगा के आओ? वो तब तक पता नहीं लग सकता जब तक कि वो अनाहत नाद में ना उतर जाए। वो उसी में उतारने के लिए कह रहा है कि एक हाथ की ताली कैसे बजती है, इसको खोजो। कलेक्टिव अनकॉन्शियस की जो क्रियाएं हैं, अगर हम उनके प्रति जाग जाएं तो हम कॉस्मिक अनकॉन्शियस में उतर जाते हैं, तब हम ब्रह्म अचेतन में उतर जाते हैं, जिसको इस मुल्क में प्रकृति कहा गया। प्रकृति शब्द को समझ लेना उचित होगा। प्रकृति का मतलब होता है, प्रकृति का मतलब होता है जब सब बना उसके पहले भी जो था, कृति के भी जो पहले है। प्री क्रिएशन, अगर अंग्रेजी में बनाए शब्द तो बनेगा प्री क्रिएशन। सृष्टि के भी पहले से जो है, जिससे सब पैदा हुआ, जो पैदा होने के पहले भी था, उसको कहते हैं प्रकृति। वो जो कॉस्मिक अनकॉन्शियस है वो प्रकृति है, उससे ही सब आया। अब इसको ऐसा समझ ले, चेतन मन मेरा है, अचेतन मन भी मेरा है, लेकिन कलेक्टिव अनकॉन्शियस हमारा है। वो मेरा नहीं है, वो आपका नहीं है, वो हमारा है। कॉस्मिक अनकॉन्शियस हमारा भी नहीं है, सबका है। उसमें पत्थर भी सम्मिलित है, पक्षी भी सम्मिलित है, नदी भी सम्मिलित है, पहाड़ भी सम्मिलित है। वो प्रकृति है, वहां जो उतर जाए उसके आगे उतरने को नहीं रह जाता। वो बॉटमलेस एबिस है, उसके नीचे फिर उतरने का कोई उपाय नहीं, वो शून्य खाई है। इस उतरने की प्रक्रिया है अप्रमाद। जहां आप हैं वहीं जागना शुरू करें। जिस दिन आप वहां जाग जाएंगे आपको नीचे के दरवाजे की कुंजी मिल जाएगी। फिर वहां जागना शुरू करें और नीचे की कुंजी मिल जाएगी, और एक दूसरी प्रक्रिया पूरे समय साथ चलेगी। जब तक आप चेतन में हैं तब तक आप सुपर कॉन्शियस में, अति चेतन में नहीं जा सकते, ऊपर नहीं बढ़ सकते। आपकी जड़ों को अनकॉन्शियस में उतरना पड़ेगा। जिस दिन आपकी जड़ें अचेतन में उतर जाएंगी, उसी दिन आपकी शाखाएं सुपर कॉन्शियस में फैल जाएंगी, ऊपर उठ जाएंगी। फ्रायड और जुंग सुपर कॉन्शियस में नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे अनुमान कर रहे हैं, इसलिए वे अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, इनकी तो बात करते हैं नीचे की, ऊपर की उनके पास कोई कल्पना नहीं है। लेकिन ये जगत सदा एक संतुलन है, यहां जितने नीचे जाने का उपाय है उतना ही ऊपर जाने का उपाय है। असल में नीचे का अस्तित्व ही नहीं हो सकता अगर ऊपर का अस्तित्व ना हो। ऊपर का और नीचे का अस्तित्व एक साथ ही हो सकता है। अगर बायां ना हो तो दायां नहीं हो सकता, कि हो सकता है? अगर दायां है तो बायां का अस्तित्व जरूर होगा, चाहे पता हो चाहे ना हो। क्या नीचे का अस्तित्व हो सकता है ऊपर के बिना? फिर उसे नीचे कैसे कहिएगा? नीचे का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता ऊपर के बिना। क्या दुख का अस्तित्व हो सकता है सुख के बिना? फिर उसे दुख कैसे कहिएगा? दुख का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता सुख के बिना। जिंदगी सदा ही दोहरी है, जितना नीचे है उतना ऊपर है, जो जो नीचे है वही वही ऊपर भी है। फर्क इतना ही है कि नीचे अंडरग्राउंड है, अंधेरे में है, ऊपर खुले आकाश में, सूरज की रोशनी में। जितने नीचे उतरेंगे उतना अंधेरा बढ़ता जाएगा, और जो कॉस्मिक अनकॉन्शियस से प्रकृति है वो पूर्ण अंधकार है, विराट अंधकार है, अंधकार ही अंधकार है। जितने ऊपर बढ़िएगा उतना प्रकाश बढ़ता जाएगा, और वो जो कॉस्मिक कॉन्शियस है ब्रह्म, वो पूर्ण प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है। लेकिन ऊपर जाने का रास्ता नीचे होके जाता है। द पीक इज टू बी अचीव्ड वाया द एबिस। वो जो नीचे खाई है उसके द्वारा चोटी पर पहुंचा जाता है। यही सबसे बड़ी साधना की कठिनाई है, यही समझना सबसे ज्यादा कठिन हो जाता है कि ऊपर जाने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। हम सोचते हैं सीधे ऊपर चले जाएं, लेकिन सीधे हम ऊपर नहीं जा सकते। अगर हम सीधे ऊपर जाएंगे तो स्पेकुलेशन शुरू हो जाएगा, फिर हम ऊपर का दर्शन बना लेंगे, सुपर कॉन्शियस, कलेक्टिव कॉन्शियस, कॉस्मिक कॉन्शियस, इसके हम सिद्धांत बना सकते हैं। लेकिन ये सिद्धांत सिर्फ सिद्धांत होंगे, वैचारिक।
जो सीधा ऊपर जाएगा वो फिलसफी में चला जाएगा, दर्शन में चला जाएगा, धर्म में नहीं जा सकेगा। जिसे धर्म के अनुभव में जाना है उसे पहले नीचे उतरना पड़ेगा। ये बड़े मजे की बात है, जिसे संत होना हो उसे बहुत गहरे अर्थों में पापी होना पड़ता है, और जो व्यक्ति गहरे अर्थों में पापी होने से बच गया वो गहरे अर्थों में संत नहीं हो सकता। ये लगती बहुत अजीब सी बात है, लेकिन ऐसा ही है, ये तथ्य है, इससे कोई उपाय नहीं। इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि बड़े पापी एकदम से बड़े संत हो जाते हैं और छोटे पापी छोटे ही पापी बने रहते हैं, क्योंकि जो भी जगत में ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण है, वो सदा गहराइयों से आते हैं। नीचे उतरना जरूरी है ऊपर जाने के लिए। नीचे का एक वचन आपसे कहूं, नीचे ने कहा है कि जिस वृक्ष को आकाश छूना हो उस वृक्ष को अपनी जड़ें पाताल तक पहुंचाने की हिम्मत जुटानी पड़ती है। बहुत घबराने वाली बात है नीचे उतरना, क्योंकि वहां अंधकार है। जब आप चेतन से अचेतन में उतरेंगे तो बहुत अंधकार में उतर जाएंगे, लेकिन जितने अंधकार में उतरने की आप हिम्मत जुटाते हैं उतने प्रकाश के अधिकारी और पात्र हो जाते हैं। पात्रता आती है अंधेरे में उतरने से, साहस आता है अंधेरे में उतरने से, योग्यता आती है अंधेरे में उतरने से। इसलिए ऊपर की फिक्र छोड़ दें, नीचे की फिक्र करें और एक एक कदम पर प्रमाद को तोड़ते चले जाएं। कहां से शुरू करेंगे? शुरू सदा वहीं से करना पड़ता है जहां आप हैं। आप जिस मंजिल में, उस मंजिल का नाम चेतन, उस चेतन मंजिल की क्रियाओं को आप प्रमाद छोड़कर करना शुरू कर दें। बुद्ध के पास आनंद वर्षों तक रहा। एक दिन उसने पूछा कि बड़ी मुसीबत मालूम पड़ती है, कभी कभी रात मुझे नींद नहीं आती तो मैं आपको देखता रहता हूं, आप जिस करवट सोते हैं उसी करवट सोए रहते हैं, हाथ भी नहीं हिलाते, पैर भी नहीं बदलते, जिस आसन में जिस व्यवस्था में सांझ सिर रखते हैं वैसा ही रात भर रखे रहते हैं। हैरानी होती है, मुझे तो बहुत करवट बदलनी पड़ती, मुझे तो बहुत हाथ पैर हिलाना पड़ता है। बुद्ध ने कहा, तुझे पता रहता है कि तू हाथ पैर हिला रहा, करवट बदल रहा? हाँ, उन्होंने कहा, कुछ पता नहीं रहता, सुबह पता चलता है कि जैसा सोया था वैसा नहीं सोया हूं, सिर कहीं था कहीं पहुंच गया। नींद में कैसे पता चल सकता है? बुद्ध ने कहा, मैं जानता हुआ सोता हूं, मैं जानता हुआ ही सोया रहता हूं, जहां हाथ रखा था वही हाथ रहता जब तक मैं ना हटाऊं। हाथ अपने से हट जाए तो मेरी मालिकियत गई, फिर मैं मालिक ना रहा। तो आनंद ने कहा, क्या आप रात में भी जागे हुए सोते हैं? बुद्ध ने कहा कि निश्चित ही, क्योंकि मैं दिन में जागा हुआ जागता हूं इसलिए रात में जागा हुआ सोने का अधिकारी हो गया। जब तक आप दिन में सोए हुए जागेंगे तब तक तो संभावना नहीं है कि आप जागे हुए सो सके। जब जागने में सोए रहते हैं तब सोने में तो सोए ही रहेंगे, जागने में जागना शुरू करना पड़ेगा, वहीं से प्रमाद तोड़े। महावीर अपने भिक्षुओं को निरंतर कहते थे, विवेक से उठो, विवेक से चलो, विवेक से बैठो। इसका मतलब क्या था? शायद अनेक उनके साधु यही समझते हैं कि विवेक से उठने का मतलब, विवेक से बैठने का मतलब। जो महावीर के साधुओं ने समझा है वो महावीर का ख्याल नहीं है। महावीर के साधु समझते हैं विवेक से चलो इसका मतलब है कि किसी की बिछाए हुए बिस्तर पर पैर मत रखना, किसी के बिछाए हुए गलीचे पर मत चलना, सूखी जमीन में चलना गीली जमीन में मत चलना। विवेक से खाओ तो साधु महावीर का हजारों साल से समझ रहा है कि ये खाना और ये मत खाना। विवेक का मतलब लोगों ने समझा है डिस्क्रिमिनेशन, विवेक का ये मतलब नहीं है महावीर का। महावीर का विवेक से मतलब है होश, महावीर का विवेक से मतलब है अवेयरनेस, डिस्क्रिमिनेशन नहीं। क्योंकि जहां अवेयरनेस है वहां तो डिस्क्रिमिनेशन अपने आप आ जाता है छाया की तरह, लेकिन जहां डिस्क्रिमिनेशन है वहां अवेयरनेस नहीं आने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। महावीर कहते हैं विवेक से चलो, उसका मतलब है जानते हुए चलो, होश से चलो कि तुम चल रहे हो। अब इस होश में ये सब आ जाएगा, जो गलत है वो नहीं होगा, क्योंकि होश पूर्वक किसी ने कभी कोई गलत काम नहीं किया, कर नहीं सकता। होश पूर्वक जो भी किया जाता है वो सदा ठीक है। होश पूर्वक पुण्य नहीं किया जा सकता, होश पूर्वक पाप नहीं किया जा सकता। इसलिए महावीर जब कहते हैं होश पूर्वक खाओ तो उसका मतलब ये नहीं कि ये खाओ और ये मत खाओ, उसका मतलब है होश पूर्वक खाओ, खाने की क्रिया होश पूर्वक हो। उसमें ये तो आ ही जाता है कि क्या छोड़ो क्या ना छोड़ो, वो छूट ही जाएगा, उसे छोड़ने के लिए अलग से नियम अलग से व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं है।
और जो आदमी अलग से नियम बनाता है वो बता रहा है कि उसका होश अभी नहीं जगा। मैं जाके कसम खाता हूं मंदिर में कि मैं दरवाजे से ही निकलूंगा, कभी दीवार से नहीं निकलूंगा। तो लोग कहेंगे आप अंधे तो नहीं है, क्योंकि ये कसम सिर्फ अंधे ही खा सकते हैं। और ध्यान रहे, अंधा कितनी ही कसम खाए कभी ना कभी दीवार से टकराएगा ही। अंधे के बस के बाहर है कसम को पूरा करना। और आंख वाला आदमी कभी कसम नहीं खाता कि मैं दरवाजे से निकलूंगा, दीवार से ना निकलूंगा। आंख वाला आदमी दरवाजे से निकलता है और दीवार से नहीं निकलता, क्योंकि आंख होने का मतलब यह है कि वो बताती है कि दीवार से सिर्फ फूट जाएगा और दरवाजे से रास्ता है, दीवार से रास्ता नहीं है। जो विवेक से जीता है वो गलत को नहीं करता, गलत को नहीं करने की कसम कभी नहीं खाता। और जो आदमी गलत को ना करने की कसम खाता हो, जान लेना कि उसे अभी विवेक का कोई पता नहीं चला, वो अंधा आदमी। व्रत सिर्फ अंधे लेते हैं, आंख वाले लोग व्रत नहीं लेते। आंख वाले लोग जिस ढंग से जीते हैं वो व्रत है, व्रत लिया नहीं जाता। लेकिन हम सब मंदिरों में व्रत ले रहे हैं, हम कसमें खा रहे हैं कि मैं एक साल ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं पीऊंगा। इसका मतलब यह है कि आपका चित्त तो पीना चाहता है, आपका चित्त तो खाना चाहता है। उस चित्त को रोकने के लिए आप उल्टी कसम खा रहे हैं। मंदिर में खा रहे हैं जिसमें भगवान का थोड़ा डर रहे, लोगों के सामने खा रहे हैं कि लोग जरा देखते रहे कि तुमने कहा था कि सिगरेट नहीं पियेंगे, अब तुम पी रहे हो। साधु के सामने कसम खा रहे हैं कि जरा भय रहे कि साधु को वचन दिया है तो पूरा करे। लेकिन एक बात पक्की है कि सिगरेट पीने की इच्छा भीतर मौजूद है, वो आदमी होश में नहीं है, इसलिए वो कसम खा रहा है। कसम किसके खिलाफ खाई जाती है? अपने खिलाफ। और अपने खिलाफ खाई गई कसमों को पालना बहुत मुश्किल है, और अगर पाल भी ली जाए तो उनसे कोई हित नहीं है, सिर्फ डेडनिंग, सिर्फ व्यक्तित्व की संवेदना छीन होती है और कुछ भी नहीं होता। नहीं, महावीर जब कहते हैं विवेक से चलो तो उसका मतलब है चलने की क्रिया होश पूर्वक हो, अप्रमादी हो, प्रमाद में ना हो, मूर्छित ना हो। पैर उठे तो जानो कि उठा, जमीन पर गिरे तो जानो कि गिरा, सिर घूमे तो जानो कि घूमा, बैठ रहे हो तो जानो कि बैठ रहे हो। कोई भी क्रिया बेहोशी में ना हो जाए। इसलिए महावीर से जब किसी ने पूछा कि आप साधु किसको कहते हैं, तो महावीर ने ये नहीं कहा कि जो मुंह पे पट्टी बांधता उसको मैं साधु कहता हूं। अगर महावीर ऐसा कहते तो दो कौड़ी के आदमी हो जाते। मुंह पट्टी की जितनी कीमत है उतनी ही कीमत होती। महावीर ने ऐसा नहीं कहा कि जो नंगा रहता है उसको मैं साधु कहता हूं। अगर वो ऐसा कहते तो बड़े नासमझ सिद्ध होते, और जो जानने वाले थे वो अनंत समय तक उन पे हंसते। नहीं, महावीर ने जो जवाब दिया बहुत अद्भुत था। महावीर ने कहा जो जागा हुआ है उसे मैं साधु कहता हूं, असुप्ता मुनि जो सोया हुआ नहीं है उसे मैं मुनि कहता हूं। बड़ी अद्भुत परिभाषा महावीर ने दी, जो सोया हुआ नहीं, असुप्ता मुनि नहीं सोया है जो, उसे मैं साधु कहता हूं। पूछने वाले ने पूछा आप असाधु किसे कहते? महावीर को कहना चाहिए था जो शराब पीता है, लेकिन ऐसा लगता है कि महावीर का शराब खानों से कोई संबंध नहीं था। जिनका शराब खानों से संबंध होता वो यही समझाए चले जाते कि जो शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता, महावीर का दिखता है किसी बूचर खाने से कोई संबंध नहीं था। जिनका होता है वो यही समझाए चले जाते हैं कि जो मांस नहीं खाता वो साधु, सिगरेट नहीं पीता वो साधु, ये करता है ये नहीं करता। महावीर ने कहा सुप्ता अमुनि जो सोया हुआ जीता है वो असाधु है। बड़ी हिम्मत की, बड़ी गहरी, बड़ी समझ की बात है। सिर्फ एक छोटे से सूत्र पर सब कुछ निर्भर होता है। आप जाग कर जी रहे हैं या सोकर जी रहे हैं? अगर आप जाग के जी रहे हैं आपकी जिंदगी में साधुता उतर आएगी, अगर आप सो के जी रहे हैं आपकी जिंदगी में असाधुता के सिवाय और कुछ भी नहीं हो सकता। आप सोए सोए भी साधु बन सकते, वो बना हुआ साधु होगा, और बने हुए साधु असाधुओं से भी बदतर हालत में हो जाते, क्योंकि उनको ये भ्रम पैदा हो जाता है कि वो साधु है। और जब असाधु को ये भ्रम पैदा हो जाए कि वो साधु है, तो अब जन्म जन्म लग जाएंगे इस भ्रम से छूटने में। अप्रमाद साधना का सूत्र है, अप्रमाद साधना है। चार दिन जो बात मैंने आपसे की, अहिंसा वो परिणाम है, हिंसा स्थिति है, अपरिग्रह वो परिणाम है, परिग्रह स्थिति है, अचौरी वो परिणाम है, चौरी चोरी स्थिति है, अकाम वो परिणाम है, काम वासना कामना स्थिति है। इस स्थिति को परिणाम तक बदलने के बीच जो सूत्र है वो है अप्रमाद, अवेयरनेस, रिमेंबरिंग, स्मरण। प्रत्येक क्रिया स्मरण पूर्वक हो, और प्रत्येक
क्रिया होश पूर्वक हो और एक भी क्रिया ऐसी ना हो जो कि बेहोशी में हो रही, तो बस आपकी धर्म यात्रा शुरू हो जाती, आप नीचे उतरने लगेंगे। और सूत्र वही रहेगा, जब नीचे के दूसरे खंड में पहुंचेंगे तब उसकी क्रियाओं के प्रति फिर अप्रमाद, जब उसकी पूरी क्रियाओं के प्रति जाग जाएंगे तो और नीचे पहुंचेंगे उसके प्रति अप्रमाद, और जितने नीचे पहुंचेंगे उतने ऊपर पहुंचते चले जाएंगे। जिस दिन कोई अपने पाताल की आखिरी परत को छू लेता है उसी दिन अपनी आत्मा की आखिरी अमृत की परत उसे उपलब्ध हो जाती है। जाए पाताल में ताकि पहुंच सके मोक्ष में, उतने गहरे ताकि छू सके ऊंचाई को, छुए नरक को ताकि उपलब्ध हो सके स्वर्ग। जाए अंधकार में गहरे और गहरे ताकि प्रकाश को पाने की पात्रता मिल सके। अप्रमाद से और अप्रमाद के अतिरिक्त और किसी बात से नहीं ये संभव होता है। दुनिया में चाहे कहीं भी कुछ कहा गया हो, चाहे जीसस ने कुछ कहा हो, चाहे बुद्ध ने, चाहे महावीर ने, चाहे कृष्ण ने, वो सभी का सब अप्रमाद जैसे छोटे से शब्द में समा जाता है। कृष्ण कहते हैं नींद में भी जागो, जीसस कहते हैं जागे रहो क्योंकि पता नहीं वो कब आ जाए। ऐसा ना हो कि तुम सोए रहो और वो आए परमात्मा और तुम्हें सोया पाए और लौट जाए। जागो और प्रतीक्षा करो, बी अवेयर एंड अवेटिंग। जीसस की सारी बातचीत इसी सूत्र पर घूमती है कि जागो और प्रतीक्षा करो, और महावीर का पूरी जिंदगी का प्रवचन एक ही बात को बार बार दोहराता है, होश पूर्वक विवेक पूर्वक अप्रमाद से जियो, मूर्छा नहीं। दो तीन सूत्र और अपनी बात में पूरी करूं। पहला सूत्र, ठीक से समझ लेना कि आप सोए हुए। समझाने की कोशिश मत करना अपने को कि मैं सोया हुआ नहीं, जस्टिफाई मत करना अपने को कि मैं सोया हुआ नहीं। मन कहेगा कि मैं और सोया हुआ, दूसरे सोए हुए होंगे, मैं जागा हुआ आदमी, मैं और सोया हुआ, शास्त्र पढ़ता हूं सोए हुए कैसे पढ़ सकता हूं, आत्मा परमात्मा है ऐसा जानता हूं सोए हुए कैसे जान सकता हूं। नहीं, मैं सोया हुआ नहीं, दूसरे सोए हुए। सोया हुआ आदमी सदा दूसरों को सोया हुआ टाल के अपने को जागा हुआ मान लेता है। इन नींद को बचाने का उपाय है, इस सेफ्टी मेजर है नींद का, और नींद के अपने उपाय हैं बचने के, ध्यान रखना। नींद टूटने से बचना चाहती है, नींद सब तरह का इंतजाम करती है कि टूट ना जाए। अगर आप रात भूखे सो गए हैं तो नींद अपने को बचाने के लिए भोजन देती है आपको सपने में, अगर सपने में भोजन न मिले तो नींद टूट जाएगी, तो नींद इंतजाम करती है कि भोजन ले लो। झूठा सही, क्योंकि नींद झूठी चीजें दे सकती है, नींद सच्ची चीजें नहीं दे सकती। भूखे आदमी को सपने में निमंत्रण दिलवा देती नींद के सम्राट के घर आज भोज है और आपको निमंत्रण मिला है, और जो उस आदमी ने जिंदगी में कभी नहीं खाया वो नींद उसके सामने रख देती। ये नींद अपने को बचा रही है। आपको पेशाब लगी नींद में तो नींद कहेगी कि बाथरूम में चले जाओ, नींद में ही चले जाओ, उठने की उठने में नींद टूट जाएगी। आपने अलार्म भरा है 4 बजे उठने का, अलार्म की घंटी बजती, नींद कहती है घंटी नहीं मंदिर का घंटा बज रहा, आराम से सो रहा। नींद अपने सेफ्टी मेजर बनाए हुए है, नींद ने इंतजाम किया हुआ कि टूट ना जाए। तो आप जागते में भी नींद का एक इंतजाम है, वो इंतजाम ये वो आपसे कहेगी तुम तो जागे हुए हो, बाकी लोग सोए हुए हैं, तुम इनको जगाने की कोशिश करो तो अच्छा, तुम तो जागे हुए ही हो। अगर आपका मन आपसे कहे कि जागे हुए ही हो तो इस नींद के सुरक्षा से बचना, इस धोखे में मत पड़ जाना। एक, जिस दिन पता चल जाए कि मैं सोया हुआ हूं, एहसास हो जाए, और कल की कोई जरूरत नहीं, अभी यही एहसास हो सकता है कि सोए हुए, तो फिर जागने का उपाय शुरू करना, छोटी छोटी क्रियाओं में जागना, और जो गहरी क्रियाएं हैं उनका अभिनय करके जागने की कोशिश करना। अगर संकल्प पूर्वक नींद की तरकीबों से बचते हुए जागने की प्रयास किया जाए तो जो महावीर को संभव हुआ, जो बुद्ध को संभव हुआ, वो आपको भी संभव हो सकता है। पोटेंशियली बीज रूप से आपकी वही संभावना है जो किसी की भी है, आप भी वही हो सकते हैं जो जगत में कोई भी कभी हुआ है। तो जागने की कोशिश करना, और जागने की कोशिश जब गहरी हो जाए तो रुक मत जाना, अन्यथा दूसरे चरण पर नींद पकड़ लेगी, दूसरे मंजिल में रह जाएंगे, फिर वहां जागने की कोशिश करना। लंबी है ये यात्रा, असंभव नहीं, कठिन है ये यात्रा, असंभव नहीं।
जो करता है वो कर ही पाता है, और नीचे नीचे उतरते जाना, ऊपर की फिक्र छोड़ देना, ऊपर के फल अपने से आने लगेंगे। जितने आप नीचे उतरेंगे उतने ऊपर फूल खिलने लगेंगे, उनकी सुगंध, उनका प्रकाश, उसका आनंद झरने लगेगा। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे ऊपर जाने लगेंगे। और जिस दिन कोई व्यक्ति अपनी गहराई से गहराई को छू लेता है, द अल्टीमेट डेप्थ, जिस दिन परम गहराई को छू लेता है उसी दिन परम ऊंचाई को छू लेता है, और जिस दिन दोनों छू लेता है उस दिन गहराई और ऊंचाई एक हो जाती है, दो नहीं रह जाती, उस दिन सब एक हो जाता है। 7 मंजिल का ये मकान जिस दिन पूरा जान लिया जाता है उस दिन एक हो जाता है, उस दिन फिर इसमें 7 मंजिलें भी नहीं रह जाती, सब बीच के पर्दे गिर जाते हैं, दीवारें हट जाती और एक भवन रह जाता है। उस एक का अनुभव ही परमात्मा का अनुभव है, उस एक का अनुभव ही मोक्ष का अनुभव है, उस एक का अनुभव ही अद्वैत का अनुभव है, उस एक का अनुभव ही समाधि का अनुभव है। इन 5 दिनों में ये थोड़ी सी बातें मैंने आपसे कही, इसलिए नहीं कि मुझे कहने में कुछ मजा आता है, इसलिए नहीं कि आपको सुनने में थोड़ा मनोरंजन हो, बल्कि इसलिए कि शायद कहीं चोट लग जाए, वीणा का कोई तार आपके भीतर कप जाए और कोई यात्रा शुरू हो जाए। अंत में परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने को बिना जाने समाप्त ना हो जाएं, आपकी जानने की, आपकी खोजने की, स्वयं से पूरी तरह परिचित होने की यात्रा शुरू हो, लेकिन अकेली परमात्मा से की गई प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं हो सकता। आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा को थोड़ा सहयोग दें।